सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमार्टी.com के समय न्यूज। मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मणिपुर की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद पूरे देश के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं उड़ीसा के झारसुगड़ा में 28 जुलाई 2023 को मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, हिंसा और निर्वस्त्र परेड के अमानवीय कृत्य के खिलाफ और केंद्र सरकार से 3 महीने से जारी हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए प्रयास करने की मांग करते हुए 28 जुलाई 2023 को जन संगठनों के मिली मंच के तरफ से झारसुगड़ा शहर के जन संगठनों की ओर से झारसुगड़ा शहर के पुराने बस स्टैंड के पास गांधी चौक में जन विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि मणिपुर दंगों ने 3 महीने तक व्यापक हिंसा का रूप ले लिया है। इन दंगों के दौरान कुकी आदिवासी समुदाय की महिलाओं को जिस अकथनीय उत्पीड़न और हिंसा का सामना करना पड़ा, उसने संवेदनशील नागरिकों को परेशान कर दिया है। हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने, मणिपुर में आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोषियों को उचित सजा देने की मांग को लेकर 28 जुलाई 2023 को झारसुगड़ा अलायंस ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से झारसुगड़ा जिला कलेक्टर झारसुगड़ा को भारत के महामहिम राष्ट्रपति को यह ज्ञापन सौंपा गया और मणिपुर में शांति बहाल करना जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजस्व को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर प्रमुख आदिवासी नेता रत्नाकर प्रधान, लोक मुक्ति संगठन के सलाहकार अनंत सम्मिलित, आदिवासी समाज के नेता प्रभाकर ओराम, प्रमुख वकील लक्ष्मी चरण पाल, प्रमुख दलित नेता रविंद्र सोहेला, सारंग मिश्रा, विजय दास, हिलारू मीज, त्रिलोचन दंदसेना, जितेंद्र धरुआ, हाविल एक्का, उमाकांत नाइक, ग्रेगरी समद, जिनित समद, पात्र बाघ, कैलाश पिंग, नावेट कीरे, नेशनल जोजो, योगेंद्र माझी, विनोद भाग, प्रेम सागर डेहरिया सहित कई लोग शामिल हुए। झारसुगड़ा उड़ीसा से तपस्वी लाल तिवारी की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। www.kaushalmarty.com